उसमें आप लोग सफल रहे, इसलिए बधाई के पात्र हैं। हालांकि मेहनत मैंने किया। हम लोग शुरू से कहते आए थे कि कंबल में घोटाला हुआ है, मुख्यमंत्री जी कंबल ओढ़ के घी पीने का काम कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त जब बातें कही गई, बात आई और गई, सरकार ने ना तो कोई उस पर जांच की ना ही कोई एक्शन लिया। और जिस तरह से अभी सीए जी ने मामलों को उठाया है कृषि के क्षेत्र में, आप देखिए तो गाय गायब हो रही हैं। अरे जिस पार्टी को गाय के नाम पे राजनीति करती है, वो पार्टी अगर गाय को गायब कर रही है तो हम ये समझते हैं झारखंड से गौ माता गायब हो रही हैं। और आप तो गौ माता जो दुधारू गायों की को लाने की बात कही थी आपने, और आपने कहा था कि इससे जो महिलाएं हैं उनको रोजगार मिलेगा, आपने दो दो दुधारू गाय देने की बात की थी, और उसके बाद आपने जितने लोगों को उसके लिए चुना उसके 30% लोगों को वो गाय मिलने का काम हुआ, और वो भी संख्या पूरी नहीं हो रही है। जिस तरह से पीएसयूज में घोटाला है, जिस तरह से सरकार के घोटालों की फेरिस्त जारी की है सीए जी ने, निश्चित रूप से चिंताजनक है इस राज्य के लिए। और जो लगातार आदरणीय सरजू राय जी बातों को उठाते रहते हैं, उनको ये समझना पड़ेगा। और राज्य की जनता जानती है कि आदरणीय सरजू राय जी और रघुवर दास जी की दोस्ती बहुत अभिन्न है, दोनों एक ही शहर से आते हैं, और जब भी कोई विपक्ष मुद्दे को उठाना चाहता है उस मुद्दे को डाइल्यूट करने के लिए सरजू राय जी पहले बयान देते हैं। मैं समझता हूं कि अगर सरजू राय जी में जरा सी भी कहीं से भी नैतिकता बची है तो सरकार से इस्तीफा दे करके जनता के बीच आकर के अपनी बातों को रखना चाहिए, न कि कंबल ओढ़ के घी पीने वाले साथियों का साथ देना चाहिए।